أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين دلوں کی سختی مسلمان کی روح کے لیے خطرناک بیماری ہے. دل کی ہمیشہ دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر پتھر بن جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتتا سودا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے. اگر یہ توبہ کر لے اللہ عز و جل اس کے اس سیاہ نشان کو دھو دیتا ہے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. اور اگر یہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ کو اپنی عادت بنا لے، تو یہ نکتے اس کی دل کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ان گناہوں کی وجہ سے دل کی سیاہی اس دل کو پتھر کر دیتی ہے. یا دل اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، یا دل اللہ کا تقوی اور خوف ان سے نکل جاتا ہے اور وہ گناہ کر کے پتھر ہو جاتے ہیں. پھر ان کے سامنے آیات پڑھیں، ان کے سامنے احادیث سنائیں، ان پر اثر نہیں ہوتا. ایسے دلوں کا علاج کیا ہے؟ جب دل اس کیفیت کا بن جائے، اس حالت میں پہنچ جائے، اس کا علاج اللہ کا قرآن، اس کا علاج قبروں کی زیارت. انسان خود بہت بڑا مفتی ہے، خود سوچے کہ میرے دل کی کیا کنڈیشن ہے. کیا تنہائی میں جب اللہ کی یاد آتی ہے تو میں کچھ نرم پڑتا ہوں یا نہیں؟ قبرستان کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا ڈر، تقوی، خوف آتا ہے تو میں دین کی طرف آتا ہوں یا اپنی زندگی پہ گامزن رہتا ہوں؟ یہ دل خود انسان کو بول کر بتائے گا. اور جب دل پتھر ہو جائے پھر اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ قرآن اتنی عظیم شے ہے. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے
अगर हम इस कुरान को, इस किताब हकीम को किसी पहाड़ पे उतार दें, ला रईतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, तो तू देखेगा कि अल्लाह के डर से वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतार दिया जाए तो वो पहाड़ इसकी अल्लाह के डर और खौफ को बर्दाश्त ना कर सके, और ये अमानत इतनी बड़ी अमानत है कि वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, कांप उठे। लेकिन ये इंसान है जिसने इतनी बड़ी अमानत को अपने कंधों पे उठा लिया। आज की हमारी गुफ्तगू का अनवान, ए इंसान अना दारू का गदन, ये आने वाला कल, इस कल में तेरा ठिकाना कहाँ है, इस कल में तू और मैं किस जगह पर होंगे, क्योंकि उम्र कितनी ही लंबी हो जाए बिल आखिर इसने ख़त्म हो जाना है, उम्र कितनी ही तवील हो जाए बिल आखिर इस उम्र ने ख़त्म हो जाना है, बिल आखिर इस उम्र ने, इस लंबी जिंदगी ने आपका और मेरा साथ छोड़ देना है, और फिर उसका एंड, उसका रिजल्ट दो ही मकाम पर होने वाला है, या तो हमेशा की जन्नत है या फिर हमेशा की जहन्नम है, या तो हमेशा की आग है या हमेशा का सुकून है। ये कब्र किस हालत में मेरा और आपका इंतजार करती है, जिस हालत में मैं आज इसको तैयार कर रहा हूं। हम इंडिया पाकिस्तान वाले, खेती बाड़ी हमारे मुल्कों में ज्यादा होती है, जो बोते हैं वही फसल तैयार होती है। कभी यह तो नहीं हुआ कि किसी ने गंदम काश्त की हो और काटने के वक्त उसकी फसल के अंदर चावल खड़े हों। जो वो बोएगा वही काट लेगा। जो आज इस जिंदगी के अंदर मैं और आप काश्त करेंगे, क्यामत के दिन उसी को, उसी का फल हम उठाएंगे। तो सोचना यह है कि मैं और आप किस चीज को काश कर रहे हैं, मैं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं और आप अपनी कब्र को कैसी बना रहे हैं। क्योंकि कुरान हकीम हमें दावत फिक्र देता है, या अय्युहन नास इन वअदल्लाहि हक, ए लोगो अल्लाह का वायदा बड़ा सच्चा है, अल्लाह का वायदा हक है। ये मौत का वायदा, दोबारा उठाए जाने का वायदा, इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाने का वायदा, क्यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेशी का वायदा, इन वअदल्लाहि हक, ये वायदा बड़ा सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं, इससे किसी को फरार नहीं। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ये रंगीनिये, दुनिया का ये आराम, दुनिया के ये मजे, दुनिया की ये रोशनिये, दुनिया की दिल को बहलाने वाली ये हरकतें कहीं तुम्हें और हमें धोखे में ना डाल दें उस मौत से जो मौत करीब से करीब तर होती जा रही है। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, कहीं तुम अल्लाह के साथ धोखे में ना आ जाओ, कहीं ये बात तुम्हारी समझ से ना निकल जाए कि कितनी ही लंबी जिंदगी गुजार ले, बिल आखिर एक दिन मरना है और मरकर अल्लाह के दरबार में पेश होना है। इन शैतान, ये धोखे में कैसे आओगे, ये शैतान तुम्हारे लिए नित नए मंसूबे बना कर लाएगा। इन शैतान लकुम अदुवन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ये कहेगा ए जहां मिठा अगला जहां कह डिठा, कौन मरता है कौन उठता है, बाबर ऐश को उसके आलम दोबारा नेस्त, मौलवी वैसे ही डराने की बातें करते हैं, किसने मरना है किसने उठना है, ये जिंदगी बड़ी मजेदार है, ये जिंदगी बड़ी मीठी है, ये बेहतरीन कोठी, ये बेहतरीन मकान, ये बेहतरीन कारोबार। तो मालिक कहता है कहीं शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे, वो तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी इसको दुश्मन पकड़ो, इसको दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करके हमेशा की जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। सोचिए क्या कब्रिस्तान आबाद नहीं हो रहे, क्या कब्रें आबाद नहीं हो रही, क्या मट्टी इन कफनों को चाट नहीं रही, क्या मट्टी इन जिस्मों को जो मुर्दों की सूरत में इस कब्र में दफन होते हैं, क्या मट्टी उनको खा नहीं रही, क्या कीड़े लाशों को साफ नहीं कर रहे,
क्या वो उनकी लाशें हैं जिन्हें मौत आनी है और हम वो हैं जिनको मौत नहीं आनी? क्या मैं और आप, मेरी और आपकी जिंदगी ये मौत परूफ है? नहीं। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। आज हम सुनते हैं फुला इब्ने फुला मर गया, उसके जनाजे को कंधा देते हैं, उसकी लाश इंडिया पाकिस्तान भेजने के लिए चंदा देते हैं, तो कभी ना भूलें आज गैर के जनाजे की खबर सुनने वाले कल को गैर तेरे जनाजे की भी खबर सुनेगा। आज किसी की लाश को कंधा देने वाले कल को कोई तुझे भी कंधा देगा। आज किसी के यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले, ये दिन तुझ पर भी आना है, और जब ये दिन आना है मालिक का ऐलान है वलन युअख्खिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब इंसान का वक्त आ जाता है फिर उसमें एक लम्हे की तकदीम और ताखीर नहीं हुआ करती। ये कब्र आवाज लगाती है, इस कब्र को मैं और आप भूल चुके हैं। ये कब्र आवाज लगाती है, ए मेरे ऊपर रोशनियों में घूमने वाले, मेरे अंदर अंधेरा गुप है। आप और मैं अपने कमरों की सजावट करते हैं ना, कुछ नहीं बल्ब, बल्ब नहीं ट्यूबलाइट, कुछ ना कुछ डेकोरेशन करते हैं। ये कमरा मेरा और आपका कमरा नहीं है, ये तो वारिसों का है। मेरा और आपका कमरा तो ये जमीन के अंदर है। अपने इन कमरों को सजाने वाले, क्या तूने इस असल कब्र को सजा लिया? ए मेरे ऊपर घूमने वाले, एक दिन तू आएगा, मेरे अंदर होगा। मेरे अंदर अपने दोस्तों से हंसी मजाक और कह के गूंजते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे अंदर आएगा तू तन्हा होगा। मेरे ऊपर रहकर तू दुनिया की नेमतें खाता है, मेरे अंदर तेरे जिस्म को कीड़े और मकोड़े खाएंगे। ये कब्र की आवाज है, ये जुबान हाल से पुकारती है। क्यों? क्योंकि इसका जहान बड़ा शदीद है। आइए कुरान हकीम की इन आयात पर गौर करते हैं। मालिक ऐलान फरमाता है वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। जिस दिन ये घड़ी कायम होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा मातल इंसान क़ामत क़ियामतु। इंसान जब मरता है, मरते ही इसकी क़ियामत का आगाज हो जाता है। ये कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा है। हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा इसीलिए इस कब्र पर आकर इतने रोया करते थे, इतने रोते थे, उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। साहिल सवाल करता था, उस्मान कभी जन्नत के जिक्र पे इतना नहीं रोए, कभी जहन्नम के जिक्र पे इतना नहीं रोए, इस कब्र के जिक्र पे इतना क्यों रोते हो? फरमाया ये पहली सीढ़ी है, ये पहली मंजिल है, ये फर्स्ट एग्जामिनेशन हॉल है। जो यहां पास होगा वो आगे पास होगा, जो यहां फेल होगा वो आगे भी फेल होगा। जिसके लिए ये मंजिल आसान हो गई फिर उसके लिए क़यामत की सारी मंजिलें आसान हैं, और जिसके लिए ये मंजिल मुश्किल हो गई उसके लिए सारी मंजिलें मुश्किल हैं। मालिक ऐलान फरमाता है वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। बर्बादी है आज के दिन उनके लिए जिन्होंने इसको झुठलाया। कोई जुबान से झुठलाए या कोई अमल से झुठलाए। जुबान से झुठलाने वाला कहता जी ये तो ऐवें ही मारते हैं, कौन मरता है? मेरे दादा अबू मर गए थे क्योंकि बहुत बूढ़े थे, और मैं तो 30-35 साल का जवान हूं, मेरे लिए कहां मौत, कौन मरता है? ए जहां मीठा अगला जहां कह डिठा। ये जुबान का इनकारी है, एक अमल का इनकारी है। वो जुबान से मानता है जी जी बिल्कुल मौलाना साहब, कैसे ये गलत हो सकता है, मरना है आखिर, जहान छोड़ना है आखिर, अल्लाह के पास जाना है। जुबान से मानता है लेकिन अमल, फजर की नमाज पे सोया रहता है, जोहर की नमाज पे सोया रहता है, असर की नमाज पे टेलीविजन और डिश एंटीने में मशगूल रहता है, मगरिब ईशा की नमाज में दोस्तों की गप्पों में मशगूल रहता है। उसका अमल उसको ऐलान कर रहा है कि इसको मौत याद नहीं, इसको कब्र याद नहीं, क्योंकि जिसको कब्र याद हो उसका तो एक एक कदम बड़े खतरनाक हालात में गुजरता है। वो तो हर कदम उठाने से पहले सोचता है ये कदम मुझे जन्नत में लेकर जाएगा या जहन्नम में। वो अपनी नजर डालने से पहले सोचता है ये नजर जो डाल रहा हूं कहीं ये नजर मेरे जहन्नम में जाने का सबब तो नहीं बन जाएगी। मालिक कहता है बर्बादी है उनके लिए जिन्होंने इस दिन को छुटलाया। मालिक सवाल करता है अलम नखलुकुम मिम्मा इमहीन, क्या हमने तुम्हें गंदे पानी के कतरे से पैदा नहीं किया? फजअलनाहु फी करारि मकीन, फिर हमने एक महदूद मुद्दत के लिए एक खास मकाम पर, महफूज जगह पे तुम्हें रखा। इला कदरि मालूम,
मालूम मुद्दत के लिए फ़कदरना फ़निअमल क़ादिरून, बस हमने अंदाज़ा किया हमसे अच्छा अंदाज़ा करने वाला कौन है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, जिसने इस दिन को झुटलाया जिसने इस घड़ी को झुटलाया उसके लिए बर्बादी है। अलम नजअलिल अर्ध किफ़ाता, क्या हमने इस जमीन को तुम्हारे लिए समेटने वाला नहीं बनाया। अहया व अमवाता, जिंदों को और मुर्दों को। वजअलना फीहा रवासिया शामिखातिन व अस्कैनाकुम माअन फुराता, और हमने इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए, तुम लोगों पर बारिश बरसाई मीना बरसाया तुम्हें पानी पिलाया। बर्बादी है उसके लिए जिसने इस दिन को छुटलाया। इंतालिकु इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, उसकी तरफ बढ़ो जिसका तुम इनकार करते थे। जहन्नम का इनकार था ना, आखरत का इनकार था, अजाब का इनकार था। अब चलो उस चीज की तरफ जिसको तुम झुटलाया करते थे। इंतालिकु इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, ये वो क़यामत के मनाज़िर हैं यारो, ये वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुरान की वो आयात हैं। मोमिन जब इन आयात को पढ़ता है उसका दिल नरम हो जाता है। बढ़िए क़यामत की तरफ, आइए उस चीज की तरफ जिसको तुम झुटलाया करते थे। दोज़ख की तरफ आगे हो, इसके अंदर कोई, इसके अंदर ना तुम्हारे लिए आराम है ना इसके अंदर तुम्हारे लिए सुकून है, बल्कि बर्बादी ही बर्बादी है। هذا يوم لا ينطقون, ये दिन बड़ा कठिन दिन है। इस दिन को याद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोजा महतरमा हजरत आयशा, अल्लाह के नबी आपकी गोद के अंदर लेटे हुए, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आप उठ के बैठ जाते हैं। आयशा क्यों रोती हो? कहा अल्लाह के नबी क़यामत का दिन याद आ गया। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कायनात में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? कहा आयशा से। कहा मर्दों में किससे करते हो? कहा आयशा के बाप सिद्दीक से। इतनी मोहब्बत और प्यार वाली हस्ती हजरत आयशा की, पूछती हैं अल्लाह के नबी क्या क़यामत के दिन आप मुझे याद रखोगे? कहा आयशा नहीं, तीन मौके ऐसे आने वाले हैं कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब सिरात का मौका आएगा कोई किसी को याद नहीं रखेगा, जब मेज़ान का मौका आएगा तराजू लगेंगे कोई किसी को याद नहीं रखेगा, और जब नामा आमाल तकसीम होने लगेंगे कोई किसी को याद नहीं रखेगा। हर आदमी दूसरे को भूल रहा है। ये कुरान की आयात हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। ये वक्त जब आएगा जब मेज़ान लगेगा नेकियां तौली जाएंगी, फिर बाप औलाद से, औलाद माँ बाप से, भाई भाई से, बहन भाई से, बीवी खाविन से, हर हस्ती दूसरी जात से भागेगी, फरार चाहेगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअनु युग्नी, हर कोई दूसरे से भाग रहा है और हर जात हर हस्ती चाहती क्या है कि आज सारी दुनिया पकड़ी जाए मैं अकेला छूट जाऊं, सारों को अल्लाह जहन्नम में डाल दे, ना बाप को बेटों की फिक्र, ना भाई को भाई की फिक्र, ना दोस्त को हबीब की फिक्र, उनका दिल चाह रहा है आज सबको जहन्नम में डाल दिया जाए और सिर्फ मैं बच जाऊं, सिर्फ मैं बच जाऊं। यह हशर का मंजर है, यह क़यामत के मनाजिर हैं, किसी ड्रामे के सीन नहीं है, किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, ये मालिक का कलाम है। रब ऐलान करता है यौम यखरुजून मिनल अजदाथ सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन युफिदून, ये उम्र जितनी मर्जी लंबी गुजार लो बिल आखिर इसका एंड होना है और फिर अल्लाह के लिए क्याम होना है। जिस दिन का मंजर मालिक बयान फरमा रहा है उस दिन ये अपनी कब्रों से निकलकर भागेंगे ऐसे जैसे शिकारी अपने जाल में शिकार के फंस जाने के बाद भागा करता है। خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون, इनकी आंखें خاشعةً أبصارهم, इनकी आंखें झुकी हुई, ترهقهم ذلة उस पे ذلت चढ़ी हुई, अपनी दुनिया का एक एक अमल याद आएगा, अपनी दुनिया की जिंदगी याद आएगी, दुनिया में किए हुए अमाल याद आएंगे। तो फिर ऐलान क्या हो रहा है? ذلك اليوم, दुनिया के अंदर तो इनकार करते थे, दुनिया के अंदर तो कहते थे कौन मरेगा,
कौन उठेगा, वैसे ही बातें ही करते हैं, डराया ही करते हैं। ज़ालिकल यौम, आओ ये वो दिन है, ये क़यामत का दिन, ये हशर का दिन, ये क़यामत का मंजर है। ज़ालिकल यौम, ये वो दिन है, अल्लज़ी कानू युअदून, जिसका तुमसे दुनिया के अंदर वादा किया जाता था। आखिरत के सफर का तसव्वुर कीजिए, कब्र की रात का तसव्वुर कीजिए। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, ये आखिरत का सफर आपकी और मेरी मर्जी से होने वाला नहीं, अचानक होगा। जब आएगी मौत, अचानक आएगी, जब आएगी फिर मोहलत नहीं देगी। मेरा वक्त आएगी तो किसी और को उठाकर नहीं ले जाएगी, मेरा नंबर होगा तो मैं ही इस दुनिया को छोड़कर रवाना होगा। इस मंजिल का जिक्र कीजिए, इस मंजिल के सफर को अपने सामने रखिए, जिसका इख्तिताम या जन्नत पर या जहन्नम पर, दो ही सूरतें हैं। और जब ये लाश चलती है, चलनी है, एक एक आदमी की लाश चलनी है, कब्र की तरफ चलती है, तीन चीजें इसके साथ हैं, इसका माल, इसका अहलो अयाल, इसके अमाल। न माल ने इसके साथ जाना है, न बेगम बच्चों ने, न भाई ने, न बाप ने, न बीवी ने, न बेटे ने, न दोस्त ने, न हबीब ने, न शरीक ने, कोई इसके साथ नहीं जाएगा, तन्हा। माल लाश अभी बाहर पड़ी होती है, तकसीम पहले ही हो जाती है। वो कहता है, अब्बा जान ये मुझे दे गए थे, अब्बा जान ये मेरे नाम करवा गए थे, अब्बा जान ये हिस्सा, ये प्लाट, ये जमीन, ये सोना, ये पहले ही मुझे मेरे नाम लिखवा कर गए थे, स्टाम्प फॉर्म पे लिखवा दिया था। अभी इंसान की लाश जमीन में दाखिल नहीं हुई कि उसके माल का बंटवारा हो गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम पूछते हैं, तुम में से कौन है जो गैर के माल का मुहाफिज बनना पसंद करता है अपने माल की बजाय? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो कोई भी नहीं, हम में तो हर बंदा अपने माल की फिक्र करता है। कहा, अपना माल वही है जो तुमने अगले जहान अल्लाह के पास पहुंच कर भेज कर अपने लिए इकट्ठा कर लिया। अब जो बाकी है, जो ही मौत का वक्त आएगा, जो ही ये रूह और जिस्म के रिश्ते टूटेंगे, वो माल तकसीम हो जाएगा, वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो तुम्हारे गैर का बन जाएगा। तीन चीजें जा रही हैं, न माल कब्र में उतरता है, न अहलो अय्याल कब्र में उतरते हैं, बल्कि ये जुबाने हाल से आवाज लगाते हैं कब्र के अंदर पहुंचने के बाद के, छोड़ गए तुझे, वापिस चले गए। और अगर ये सारे तेरे साथ बाकी भी रहते, तुझे कोई फायदा ना देते, अगर ये जन्नत बन गई तो फिर शुक्र कीजिए, और अगर ये जहन्नम का गड़ा है तो अपने आप पे मलामत कीजिए, अपनी जिंदगी पे मलामत कीजिए। ये सफर तो बिल आखिर एंड होना है, इस सफर का तो बिल आखिर इख्तिताम होना है। लाश चल रही है, माल भी साथ है, अहलो अय्याल भी साथ हैं, ये दोनों चीजें छोड़ के भाग जाती हैं। वो यबका वाहिदुन, एक चीज आपके और मेरे साथ जाने वाली है, वो आपके और मेरे अमाल है। इंतहाई खूबसूरत शक्ल में नेक आदमी के अमाल आएंगे, ये पूछेगा तू कौन है, वो जवाब में कहेगा मैं तेरे नेक अमाल हूं। फजर की अजान होती तो अपने गर्म नरम बिस्तर को छोड़ देता, तो कितना ही अहम काम कर रहा होता, हय्या अला सला की आवाज सुनते ही अपने उस काम को बंद कर देता। यह नहीं कि कोई बात नहीं, अभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच लगा हुआ है तो नमाज अजान तो हो गई, लेकिन नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले ये मैच देख लें, पहले ये ड्रामा देख लें, पहले ये लूडो गेम चल रही है इसका एंड कर लें, पहले फला काम कर लें, फला काम कर लें। आपने अक्सर देखा होगा इधर नमाज खड़ी होने लगी होगी, आप कहाँ जा रहे हैं? अजी मुझे बड़ा जरूरी काम है, मैंने फला बंदे को टाइम दिया हुआ, मैंने वहां पहुंचना है, मेरा उससे मौईद है। अल्लाह के बंदे, क्या नमाज से ज्यादा जरूरी भी कोई काम है? हमें सारे काम याद आते ही तब है जब मौजिन कहता है हय्या अला सला। नेक बंदे के नेक अमाल खूबसूरत शक्ल में पहुंचेंगे, ये पूछेगा मन अंत तू कौन है, वो कहेगा मैं तेरी वो नेकी हूं जो दुनिया में करके आया। परेशान ना हो, इस कब्र के अंदर तुझे कोई तन्हाई कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तेरा दिल बहलाने वाला, तेरा दोस्त, तेरे अमाल तेरे साथ हूं। आसमान से आवाज देने वाला आवाज देगा, अफरीशूहु मिनल जन्ना, अलबिसूहु मिनल जन्ना, इसके नीचे जन्नत के लिबादे बिछा दो, इसको जन्नत के लिबादे पहना दो, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। क्यों? अनकद सदका अब्दी, ये बंदा सच्चा, अकीदा सच्चा, अमल सच्चा, किरदार में सच्चा, ये अल्लाह का बड़ा प्यारा, अल्लाह का बड़ा प्यार करने वाला, अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का प्यारा है, इसके नीचे जन्नत के बिस्तरे, इसके ऊपर जन्नत के लिबादे, इसके लिए जन्नत की खिड़की। और अगर जिंदगी इसके उलट है
टाइम पीस कमरे में है, लेकिन अलार्म कितने बजे का लगाते हैं? सुबह 7 बजे का। क्यों? 7:30 ड्यूटी पर पहुंचना है, तो 7 बजे उठ के नाश्ता करेंगे और दिल किया तो 2 रखते ठोंगे मार लेंगे और जाकर ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी अहम है। नेमतें तो हैं, तो फिर याद कर लीजिए, ये जिंदगी मुसलमान की जिंदगी नहीं। तो ये इंसान जो ही कब्र में दफन होगा, ड्रावनी शक्ल के अंदर इसके पास नौजवान आएंगे, पूछेगा, मन अंत, तेरी शक्ल इतनी खतरनाक है, तू है कौन? वो जवाब में कहेगा, मैं तेरे वो गुनाह हूं जो तू दुनिया में करके आया, मैं तेरे वो गुनाह हूं जो दुनिया में करके आया। आवाज देने वाला आवाज देगा, अन कज कज़ब अब्दी, ये बंदा गंदा, इसकी सोच गंदी, इसका किरदार गंदा, अफरिशूहु मिनन नार, इसके नीचे जहन्नम की आग बिछा दो, अलबिसूहु मिनन नार, इसके ऊपर जहन्नम की आग चढ़ा दो और इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो। अन कज कज़ब अब्दी, ये बंदा गंदा, अकीदे में, ईमान में, अमल में, किरदार में, हर लिहाज से गंदा, अल्लाह का इससे कोई मोहब्बत और कोई रिश्ता, कोई दोस्ती और कोई ताल्लुक नहीं, इसके नीचे जहन्नम की आग बिछा दीजिए। हजरत काब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद के दरबार में पहुंचते हैं और हजरत उमर को देख के परेशान होकर पूछते हैं, उमर तुझे क्या हुआ? तू अरब का सबसे हसीन सरदार नौजवान था, प्यारे नरम कपड़े पहनने वाला, नरम जगह पर बैठने वाला, अगर मैं तुझे दरबार के अंदर बैठा हुआ ना देखता तो तेरा ये ढांचा, कमजोर जिस्म, पुराने से कपड़े, ये देखकर मैं शायद तुझे पहचान ना सकता। उमर तुझे क्या हुआ? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, अगर तू मेरे मरने के और दफन होने के 3 दिन बाद मुझे देखे तो फिर तेरा क्या हाल होगा? जब ये आंखें बेनूर होके गिर चुकी होंगी, जब इस जिस्म के गोश्त को जानवर और कीड़े खा चुके होंगे, जब मेरी कब्र, इस दुनिया से मेरा ताल्लुक टूट के मैं हमेशा के लिए उसमें कब्र में क्यामत तक के लिए उसमें दफन हो चुका होगा, अगर उस हालत में मेरी लाश को देखे तो तेरा क्या हाल होगा? उमर की यह बात सुनकर उनकी सारी मजलिस वाले रोने लग गए। उमर बिन अब्दुल अजीज भी रोए, उनकी मजलिस के लोग भी रोए। ये तो उनकी हालत है जो अल्लाह के प्यारे हैं, ये उनके दिलों का खौफ और डर है। जरा सोचिए, कभी मेरे और आपके दिल के अंदर भी ये खौफ और डर आया? वो तो अपनी दुनिया को याद करके रोए जिन्होंने इस दीन की तजदीद की, इस दीन के अंदर जो बातें अग्यार ने शामिल की उसको पाक और साफ करके फिर इस माशरे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलाया। वो अल्लाह के इतने प्यारे बुजुर्ग, अल्लाह के इतने करीबी वली, उनकी उनके खौफ का ये आलम कि वो अपनी मजलिस में रो पड़े। मैं और आप भी कभी अपनी जिंदगी पे रोए? कभी हमारी आंखों से भी आंसू गिरे? फलयदहकु कलीलन वलयबकु कसीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाते हैं ना कि अगर जो कुछ मालिक ने मुझे दिखाया है कब्र के हवाले से तुम देख लो, तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो जाए, तुम्हारे बिस्तर अपनी बीवियों से अलग हो जाए। फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा। हंसना हो तो थोड़ा हंसो, रोने का वक्त आए तो ज्यादा रो। जरा सोचिए इस आयत को अपने ऊपर फिट करके, हंसी के वक्त हमारे कह के कंट्रोल नहीं होते, और कभी हमें तन्हाई में अल्लाह के सामने रोना भी आया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, उस आंख पर जहन्नम की आग को अल्लाह हराम कर देता है जो आंख तन्हाई में अपने रब को याद करती है, तो उससे उसके खौफ से आंसू निकलते हैं। जज़ा बिमा कानू यक्सिबून, ये बदला किस चीज का मिलने वाला है? कबर के अंदर बदला मुझे और आपको किस चीज का मिलने वाला है? बीमा कानू यक्सिबून, जो मैं और आप इस दुनिया के अंदर करके जाएंगे उसी का बदला हमें इस कबर के अंदर मिलेगा। ये कबर कितनी खतरनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का जिक्र करते हैं, और वो अजीम शख्स जिसकी वफात पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अरश कांप उठा, जिसकी वफात पर अल्लाह का अरश कांप उठा, जिसका जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए 70,000 फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे ये साथी तो बड़े भारी भरकम थे,
बड़े बहादुर कमांडर जवान थे, लेकिन इनकी लाश तो बहुत हल्की है, हमने इसको कंधा दिया हुआ। फरमाया नहीं मेरे साथियों, तुमने इसको नीचे से उठाया हुआ, अल्लाह के फरिश्तों ने इसको ऊपर से उठाया हुआ। हजरत साद, साद बिन माद रजी अल्लाह अन्हु वर्दा, कितनी बड़ी इनकी शान। इनकी वफात पे अरश कांपता है, इनके जनाजे के लिए 70,000 फरिश्ते वो उतरते हैं जो उससे पहले नहीं उतरे, लेकिन जो ही इनको कब्र में रखा जाता है, कब्र इतना भींचती है, कब्र इतना दबाती है, कब्र इनके लिए इतनी तंग हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमद और सना और तस्बीहात पढ़ते हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी, इससे पहले तो आपने ये अमल नहीं किया, आज ये अमल क्यों किया? कहा तुम्हारे भाई पर कब्र इतनी तंग हो गई, मैंने अल्लाह की हमद सना की, अल्लाह ने उस कब्र को तुम्हारे भाई पर फराग कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र भींचती है, कब्र भींचती है, अगर कोई इससे बच सकता तो साथ बचता। उस कब्र के लिए मैंने और आपने क्या तैयारी की? अपने कमरों के अंदर कालीन बिछाने वालों, अपनों कमरों के अंदर एसी लगाने वालों, मना नहीं है, हराम नहीं है, हलाल है दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना, लेकिन ये आर्जी ठिकाना है और ये कब्र एक लंबा ठिकाना है। मंजिल तो हमारी अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह की रहमत से अल्लाह हम सबको अपनी जन्नत में इकट्ठा फरमाए, लेकिन ये कब्र की मंजिल, इसके लिए मैंने और आपने क्या तैयारी की है? क्योंकि ये सहाबी इतनी अजमत वाले, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुन ली, आपने फरमाया अगर इस कब्र के भींचने से कोई बचता तो हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु वर्दा बचते। हजरत अली आए कब्रिस्तान में खड़े हुए, लोगों को नसीहत करने का अंदाज सुनिए, कहते हैं कब्र वालों क्या मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत ना बताऊं, तुम्हारा हाल ना बताऊं? तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारा माल तकसीम हो चुका है, तुम्हारा हाल ये है, तुम्हारी पिछली छोड़ी हुई जिंदगी दुनिया का हाल, तुम्हारा माल तकसीम हो चुका है, तुम्हारी बीवियां इद्दत गुजार कर नए शोहरों से शादी कर चुकी हैं, तुम्हारे घरों के अंदर गैर लोग आकर आबाद हो चुके हैं। सोच लीजिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह अकबर, कि दुकानदार, कोई ताजर, कोई बड़ा, कोई छोटा, छोटी सी दुकान का मालिक भी हो, बाजार के अंदर उसका दुकान, उसका खोखा हो और उसकी मौत हो जाए, मर जाए, दुकान पे कागज़ लिख दिया जाता है, आज हमारे अब्बा जान बकवा इलाही अल्लाह को प्यारे हो गए। कितने दिन बंद होती है वो दुकान? बस एक ही दिन बंद होती है, या बहुत ज़्यादा कोई करेगा तो 3 दिन कर लेगा, चौथे दिन वारिस आके उस दुकान को खोल देते हैं या नहीं खोलते? माल तो मैंने डाला था, हलाल या हराम इसका हिसाब तो मैंने देना है, किसका कर्ज दबाया है, किससे झूठ बोला है, कहां से डंडी मारी है, सारे का हिसाब मैंने देना है। लेकिन 3 दिन के बाद मेरे वारिस आकर उस दुकान को खोलकर कहते जी मरने वालों के साथ तो नहीं मरा जाता ना, वो तो मर गए, गए अल्लाह के पास, आखिर हमने भी तो पेट पालना है। ये धंधा हमारा जारी हो जाता है, माल तकसीम हो गए, बीवियों ने इद्दत के बाद नए निकाह कर लिए, वो मकान, वो कोठियां, वो घर जो तुमने बड़ी मोहब्बत से बनाए थे, पीछे 6 भाई उनके अंदर इत्तफाक ना हो सका, बंटवारा हो गया, कोठी बेचकर उन्होंने पैसे आपस में बांट लिए, जिस कोठी को तूने बड़ी मोहब्बत से तैयार करवाया था आज उस कोठी के अंदर गैर लोग आबाद हैं, लेकिन ये कब्र मेरा और तेरा घर है, इसमें गैर नहीं आ सकता, कोई दूसरे की कब्र में, कोई दूसरे की मौत के वक्त पे नहीं मर सकता। जिसने मरना है अपने मौके पर, जिसने दफन होना है अपनी कब्र के अंदर। और कुरान हकीम नक्शा खींचता है, कम तरकू मिन जन्नाति व उयून व दुरूइन व मकाम करीम, कितने ही महलात, कितने ही बागात, कितने ही चश्मे बहने, ऐसे बागात जिसमें चश्मे बहते हैं, कितने ही छोड़कर लोग चले जाते हैं, बेहतरीन मकान, बेहतरीन कोठियां छोड़कर चले गए, वनअमतिन कानु फीहा फाकिहीन कذلك वाورثناहा قوماً آخرين, ये दुनिया वाले कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने अपने महल्लात को, अपने अपने कारोबार को, अपनी अपनी कोठियों को छोड़कर रवाना हो जाते हैं और हम उनके इस मालो मता का वारिस किसी और को बना देते हैं। ये तो निजाम है अल्लाह का, चल रहा है, चलता रहेगा। सवाल फिर वहीं पर लौटता है कि मैं और आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं।
مالک کے اعلان پہ غور کیجئے, افرائیت امتعناہم سینین, اگر ہمیں سال سال کی زندگی بھی مل جائے, 60 سال, 100 سال, 70 سال, 80 سال, ثم جاءہم ما کانو یوعدون, بالآخر وقت تو آنا ہے, کتنی لمبی مالی کہتا ہے کتنے ہی سال ہر سال تمہیں زندگی کے عطا کر دیے جائیں, لیکن پھر بھی بالآخر تمہارا وہ موعد موت کا, تمہارا وہ موقع موت کا وہ آنا ہے, اس کو کسی نے ٹال نہیں سکتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دم توڑ رہے ہیں, اسی گود میں سے پہلے بھی لاشیں اٹھے, اور اب ابراہیم رضی اللہ عنہ ورضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں, کہا یہ رونا نہیں, یہ تو محبت کا اظہار ہے, یہ تو فراق ہے اپنے بیٹے سے, میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا. کہا ابراہیم تیری جدائی کے اندر ہم غمناک ہیں, تیری جدائی کے اندر ہم غمگین ہیں, لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے عرش والا راضی ہوگا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی کی گود کے اندر آپ کا بیٹے فوت ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ روک سکے, تو اور کون ہے جو اپنی آئی ہوئی موت کو کسی اور کی طرف ٹرانسفر کر دے, اور کون ہے؟ جب وقت آ جائے وہ کہے میرا ابھی, اسی لیے ابراہیم بن درہم سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو, اس نے جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جب موت کا فرشتہ ابراہیم بن ادہم کے پاس وہ ساحل آ کر سوال کرتا ہے, تو اس میں سے اس نے ایک نصیحت یہ کی کہ جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے تجھے لے جانے کے لیے, تیری روح قبض کرنے کے لیے, تو اسے واپس بھیج دینا, کہنا ابھی میرا پروگرام نہیں ہے, ابھی میں نہیں مرتا, پھر بعد میں کبھی آنا, پھر دوبارہ دیکھیں گے. تو اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم یہ کس میں طاقت ہے, جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے پھر تو کسی میں طاقت نہیں اس آئے ہوئے کو واپس بھیج دے. کہا جب آپ کو اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہی موت کا فرشتہ آئے گا میں اور آپ اس کو ٹال نہیں سکتے, اگر یہ یقین ہے تو کم از کم اپنی زندگی کو سنوار لے. کہا کچھ اور بتاؤ؟ کہا گناہ کرنے پہ دل کرتا ہے نا, تو اس اللہ کا دیا ہوا یہ آسمان چھت ہمارے لیے, اور اس اللہ کی دی ہوئی یہ زمین, اس چھت اس مکان کے اندر سے نکل جا, آسمان اور زمین کے اوپر سے کہیں اور چلا جا, نہ آسمان کے نیچے رہے نہ زمین کے اوپر رہے. کہا میں کہاں جاؤں, یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا سبحان اللہ, تجھے یقین ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, کہیں جا نہیں سکتا, اس کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے اور پھر اس کی نافرمانیاں کرتا ہے. کہا کچھ اور کہو. کہا یہ جو کھانا پینا کھاتے ہو نا, یہ کھانا پینا چھوڑ دو. کہا سبحان اللہ, اگر اللہ کا دیا ہوا کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا؟ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے اس کا دیا ہوا کھاتا ہے, اس کے گھر میں رہتا ہے اس کا دیا ہوا کھاتا ہے پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے. کہا کچھ اور بتاؤ. کہا جب گناہ کرنے کو جی کرے تو ایسی جگہ پہ جا کر کرو جہاں تجھے وہ اللہ نہ دیکھ سکے. کہا سبحان اللہ, ایسی جگہ کون سی ہے؟ اللہ تو کالی چیونٹی, کالی رات, کالے پہاڑ کی جڑ میں اگر چلے مالک اس کو وہاں پر بھی دیکھتا ہے, اس کا رزق اس کو دیتا ہے, اس کے پاؤں کی دھمک اللہ اپنے عرش پہ سنتا ہے, میں وہاں کہاں جاؤں؟ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے. کہا اچھا اور بتاؤ. کہا جب موت کا فرشتہ آئے تو کہنا میرا پروگرام نہیں. کہا کچھ اور بتاؤ. کہا جب تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ فرشتے کے ہاتھ میں سے چھڑا کر بھاگ جانا, کہنا میں نے جہنم میں نہیں جانا, میں تو جنت میں جا رہا ہوں. کہا یہ کس میں طاقت ہے, یہ طاقت کس میں ہے کہ مالک فیصلہ کر دے جہنم میں ڈالنے کا اور میں اپنا ہاتھ چھڑا لوں؟ کہا جب زبان اور دل ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے کہ اس کسی میں ان باتوں کو لوٹانے کی طاقت نہیں, تو پھر کم از کم اس اللہ سے اپنا تعلق درست کر لے
कि कब्र से और मौत से बचाने वाली कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे और तेरी मौत के दरमियान रुकावट हो जाए। हजरत बरा बिन आज़िब रिवायत फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे के लिए निकले, हम कब्र के करीब बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के अंदर आसा है, लकड़ी है। आप अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, इस कब्र के आदाब से अल्लाह की पनाह मांगो, इस कब्र के आदाब से अल्लाह की पनाह मांगो। आप रोए और सबको रुलाया, कहा या इख्वानी लिमिस्ली हाजा फाइत, ए मेरे भाइयों, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, इस कब्र के लिए इस दुनिया के अंदर कुछ करके जाओ, क्योंकि ये सफर बिल आखिर होना है। और हालत क्या होगी? जो ही मोमिन बंदे का ये आखिरत का सफर शुरू होगा, जहां तक उसकी निगाह जाती है, हसीन सूरत के अंदर फरिश्ते आकर बैठ जाएंगे। जहां तक उसकी निगाह जाती है, फिर आखिर में मौत का फरिश्ता आएगा, इसके सरहाने पर बैठेगा और इसे क्या कहेगा? या अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा, या अय्यतुहन नफ्सु मुतमइन्ना, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मअहुम व फीहिम। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाना। ए पाकीज़ा रूह, ए पाक रूह, ए तय्यब रूह, ए बेहतरीन रूह, बाहर निकल, उखरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ चल, राज़िन अनक गैर गज़बान, और तुझे खुशखबरी सुनाते हैं, चल अपने रब की तरफ चल, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है, तुझ पे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। इसको रूह निकलेगी। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मशकीज़ा के अंदर, मशकीज़ा समझते हैं ना, चमड़े का जिसमें पानी भरा जाता है, मशकीज़ा के अंदर फुल पानी भरा हुआ हो और उसका मुंह अचानक खोल दो तो वो पानी कैसे छलांग मार के बाहर आता है। कहा मोमिन इंसान की रूह इसी तरह निकलेगी। फरिश्ते जन्नत के बेहतरीन लिबादे उसके अंदर लिपटी हुई उसको लपेट लेंगे, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबू, जन्नत की खुशबू, और एक फरिश्ते से दूसरे फरिश्ते के हाथों में होती हुई ये आसमान की तरह बुलंद होगी। जमीन व आसमान का ये मंतका खुशबुओं से भर जाएगा। आसमान से उतरने वाला हर फरिश्ता मुबारकबाद देकर कहेगा, मुबारक हो, किसकी रूह लेकर जा रहे हो? तो इस आदमी का जो सबसे प्यारा नाम दुनिया में लिया जाता था, वो नाम लेकर फरिश्ते कहेंगे, फुला इब्ने फुला की रूह है, फुला इब्ने फुला की रूह है। आसमान की तरफ बुलंद होगी, उसको अल्लाह के मेहमानों में, अल्लाह के प्यारों में, अहले जन्नत के अंदर लिख दिया जाएगा। क्योंकि इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें पैदा किया, और लिखने के बाद रूह को दोबारा इसी कब्र में लुटा दिया जाएगा। और मालिक ऐलान फरमाता है, मैंने तुम्हें इसी से पैदा किया, मैं तुम्हें इसी में लुटाऊंगा, मैंने तुम्हें क़यामत के दिन फिर जब दोबारा उठना है तो इसी मिट्टी में से तुम निकाले जाओगे। इसको कब्र में लुटाया जाएगा, इसके पास दो फरिश्ते आकर बैठेंगे, इसको उठाएंगे और इससे सवाल करेंगे, मन रब्बुक, मन नबीयुक, मा दीनुक, तेरा रब कौन है? तेरा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मदद करने वाला, रिजक देने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला कौन है? तेरा नबी कौन है? तू किसके तरीके की नमाज पढ़ता रहा, किसके तरीके का रोजा रखता रहा, किसके तरीके का हज करता रहा, किसके तरीके की शक्ल सूरत अपनाई? तेरा नबी कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? जो लोग करते वो तू क्या करता था, या जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाता वो तू क्या करता था? पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आने के बाद, नबी की हदीस के इलम हो जाने के बाद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को नहीं छोड़ा जा सकता। ये सवाल होंगे, मोमिन बंदा फौरन कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मदद करने वाला, रिजक देने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, मुसीबतें टालने वाला, मुझे बरी करने वाला, मेरा दस्तगीर, पंचतन पाक, मेरा पालनहार। हमने तो ये सारे नाम पीरों को देखना, पंचतन पाक के नाम है, पंचतन पाक दस्तगीर है, पंचतन पाक मददगार है, पंचतन पाक गौसे आदम है, ये पांच मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, ये पंचतन पाक सारे काम करते हैं। मोमिन बंदा कहेगा, नहीं, मेरा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आजम बिगड़ी बनाने वाला, मेरी दुनिया के, मेरी जिंदगी के, मेरी आखिरत के एक एक अमल को ठीक करने वाला, एक एक अमल पे अपनी रहमत से उसे कबूल करने वाला, मेरे रिजक में कुशादगी करने वाला, जिसके लिए मैं सजदे करता, जिसके लिए मैं रुकू करता, जिसके लिए नजर देता, जिसके लिए न्याज देता, जिसके सामने पेशानी को झुकाता, वो सिर्फ एक रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है।
من نبی یک تیرا نبی کون ہے؟ فوراً جواب دے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عزت سارے بزرگوں کی کرتا تھا، میں محبت سارے پیروں سے کرتا تھا، لیکن جس کے طریقے پہ نماز پڑھتا میری نماز کسی کے طریقے پر نہیں تھی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی. میں حج کرتا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث مجھے پہنچ چکی تھی. آپ نے فرمایا تھا خذو عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے لو، روزے کا طریقہ اللہ کے نبی سے، نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی سے، طلاق کا طریقہ اللہ کے نبی سے، ایک عمل کے اندر میں جب بھی طریقہ لیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا، میری نماز، میرا عمل، میری زندگی کا ایک ایک معاملہ اللہ کے نبی کے طریقے پر تھا، میرا دین وہ اسلام تھا، میں ہر مسئلے میں اسلام کو دیکھتا تھا. اور جب کافر کی روح نکلے گی اس کے پاس ڈراؤنی شکل کے اندر فرشتے آ کر بیٹھیں گے اور اس سے پوچھیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ ڈراؤنے فرشتے اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، اس سے سوال کرے گا، اس سے کہے گا یا ایتھا الروح الخبیث، اے بدکار روح، اے خبیث روح، باہر نکل، باہر نکل، اپنے اللہ کی طرف چل. اس حال میں ان ربک علیک غضبان، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، اللہ کے عذاب کی طرف چل. جہنم کے آئے ہوئے لبادوں کے اندر لپٹی ہوئی یہ روح، بدبو سے بھرے ہوئے وہ لبادے چل رہی ہے، زمین و آسمان کے فرشتوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. آسمان سے اترنے والے فرشتے بد دعا دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اس کے گندے ترین نام کو لے کر کہا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، ان کے لیے، ایسی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کو اہل نار میں لکھ دیا جاتا ہے، زمین پہ روح پلٹائی جاتی ہے. تو فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے میں اسی کو مشکل کشا مان لیا کرتا تھا. من نبیک، تیرا نبی کون؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے، میں بھی اسی طریقے پہ چلتا تھا. ما دینک؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو دین کا بھی نہیں پتا، لوگ کہتے تھے جو جہاں لگا ٹھیک لگا، میں بھی کہتا تھا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو چار بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو پانچ بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو چھ بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، چوری کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، زنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے بالکل ٹھیک لگا، مجھے تو پتا ہی نہیں. لیکن یاد کر لیجئے، یہ وہ امتحان ہے قبر کا جس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، جس سے کوئی ریٹیسٹ نہیں ہے، جس سے کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے. یہ دنیا ختم ہو جانے والی دنیا ہے. ایک اللہ کا نیک بندہ ایک بہت بڑے محل کے پاس سے، قصر کے پاس سے گزرتا ہے، لوگ بڑے اکٹھے ہوئے ہوئے. وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں اکٹھے ہیں؟ کہا یہ ایک امیر صاحب نے، ایک بادشاہ نے یہ بنایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی خرابی بیان کرے گا نا کہ اس محل میں جو اس بادشاہ نے بنایا ہے اس میں فراہ خرابی ہے، اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا. یعنی یہ اتنا خوبصورت محل بنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اگر کوئی خرابی بیان کرے گا اس کو انعام ملے گا. جس کی نظر اپنی قبر کو ٹھیک کرنے پر ہوتی ہے اس کا جواب کیا ہی عجیب ہے. اس نے کہا اس محل کو دیکھے اور اس میں داخل ہوئے بغیر میں اس کی دو خرابیاں بتا سکتا ہوں. کہا سبحان اللہ، ہم اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آئی، اور تو بغیر دیکھے بغیر اندر جائے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ محل ایک دن آئے گا مٹی کا ڈھیر بن جائے گا. دوسری خرابی یہ ہے جس نے اتنی محنت سے اس محل کو بنایا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، دنیا کے اندر نہ اس کی بقا ہے نہ اس محل کی بقا ہے. اگر کوشش کرنی ہے، اگر محنت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس قبر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں، دل میرا نماز کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا قرآن کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا دین کی طرف نہیں آ رہا، تو میں کیا کروں، دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں قبروں کی زیارت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو.
क्यों? فإنها تذكركم الآخرة, कि कब्र पर जाने से इंसान को अपनी मौत याद आती है। यहां कब्र पर जाने से मुराद दरबार नहीं है, दरगाहें नहीं है, खानकाहें नहीं है, वो टूटी फूटी कब्रें जहां आपको और मुझे यकीन हो कल को मैंने यहां आकर दफन होना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे दिल के अंदर अपना तक्वा अपना खौफ पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी जिंदगी ऐसी बनाए और इस हाल में हमें अपने पास बुलाए कि इधर हमारी मौत हो, इधर हमारी रूह निकल रही हो, इधर हमारे गुनाहों को माफ करके अल्लाह मालिक हमें जन्नत में दाखिल करने के फैसले फरमा दे। अकूल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك। कोई हरज नहीं, क्योंकि अल्लाह के कुरान पाक का हुक्म है कि तुम नमाज में कुरान की तलावत करो जो तुम्हारे लिए आसान है। एक सहाबी का भी किस्सा आता है कि वो हर नमाज की हर रकत में कुलू अल्लाह पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, तो आपने उससे पूछा ये क्यों करते हो? कहा मुझे इस सूरत से बहुत प्यार है, ये तौहीद की सूरत है, अकीदा तौहीद इससे समझ आता है, तो मुझे इस सूरत से बहुत प्यार है। तो कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।